नमस्कार। दिनांक 14 जनवरी 2021 ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि का परिवर्तन करके मकर राशि में शनि जो कि सूर्य के पुत्र हैं उनके साथ संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में इस समय पे चलायमान हैं। कहीं ना कहीं बुध भी अगर कहा जाए तो भी मकर राशि में संचरण करेंगे। चार ग्रही योग देवगुरु बृहस्पति 16 तारीख से 16 जनवरी से अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त रहेंगे। कैसा रहने वाला है ये राशि का परिवर्तन, चार ग्रही योग या सूर्य की राशि का परिवर्तन विभिन्न राशियों के लिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रमुख बात फिर से मैं कहूंगा, सूर्य और शनि, सूर्य पिता शनि पुत्र, शनि सूर्य का अगर कहा जाए नैसर्गिक शत्रु है। कहीं ना कहीं शनि जो है सूर्य का शत्रुता अपनी दिखाएगा, लेकिन सूर्य पिता हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए सूर्य शनि का नुकसान नहीं करेंगे। देव गुरु बृहस्पति के पास बल नहीं, अस्त भी हैं, नीच के भी हैं, और कहीं ना कहीं बुध जो कि बुद्धि का मालिक है, कहीं ना कहीं व्यवसाय का मालिक है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को भी दिखाता है, नौकरी का भी कारक कहलाता है, और हम लोग जो बोलते हैं उस पर उसका पूरा प्रभाव है। ये चार ग्रहों का योग क्या स्थितियां लेके आया है, अगले एक महीने का समय कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुंडली का नहीं पता, अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, सूर्य कभी भी शनि का खराब नहीं करते, चाहे वो गोचर में हो, चाहे आपकी जो है जन्म पत्रिका में। शनि और सूर्य की शत्रुता अगर कहा जाए तो शत्रुता है, लेकिन पिता पुत्र का कभी खराब नहीं करता। पुत्र पिता का भले खराब कर दे वो एक अलग विषय है। चलिए मेष राशि वालों के लिए अगर बात करते हैं, मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से दशम भाव कर्म भाव में ये गोचर होगा, सूर्य का गोचर। चार ग्रही योग के साथ और गुरुदेव गुरु बृहस्पति अस्त हैं इस समय पे, ऐसे में कहा जाएगा कि कार्य क्षेत्र पे इस गोचर का विशेष असर पड़ेगा। आपके अधिकारियों से, आपके आला अधिकारियों से, आपके बॉस से इस समय पे मतभेद होगा, और उसके साथ में जो है कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है एक महीने के लिए, पूरा ही एक महीना गोचर में रहेंगे तो पूरा एक महीना, हाँ कुछ समय के लिए अधिकारियों से मतभेद होगा, और कहीं ना कहीं आपके अधिकारी आपका सपोर्ट भी करेंगे। अगर इस समय पे बात किया जाए, प्रमोशन के लिए अच्छा समय कहलाएगा, प्रमोशन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय है ये। किसी भी प्रकार के नए कामों से जुड़ने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी से संबंधित बाधा, नौकरी छूट गई है, नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, मेहनत को भरपूर रखिएगा, ये समय या सूर्य का गोचर आपके फेवर में रहेगा। धन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा कहलाएगा। विवाह या जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा दुख इस समय पे दिखाई देता है। जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण कष्ट बढ़ेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का निर्णय लेना चाह रहे हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित, चाहे वो मकान से संबंधित या स्थान के परिवर्तन से संबंधित, धैर्य रखिएगा। देख दाख के जो है स्थान का परिवर्तन या अन्य कोई निर्णय जो मैंने कहा है उनको लीजिएगा। सामान्यता अगर कहा जाए मेष राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छे परिणाम लेके आया है। कहीं ना कहीं रोजगार में वृद्धि, धन की आगमन, जिन लोगों का नौकरी इत्यादि चीजों में
रुकावट थी या नौकरी छूटी हुई थी। नौकरी करेंगे फिर से धन का आगमन होगा। आकस्मिक लाभ को भी ये दिखाता है चार ग्रही योग, आकस्मिक लाभ। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, दोनों ही बातें इस समय पे निकल के आ रही हैं। यात्राएं सोच समझ के करिएगा, देख दाख के करिएगा। भाई बहनों से को लेके इस समय पे पीड़ा बढ़ेगी। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसे समाज गलत कहता हो। ये समय उसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए समय अच्छा है। धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इस समय पे। कर्म में अवरोध, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कहीं आप फंसते हैं तो अपने पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग की राय जरूर ले लीजिएगा इस गोचर में। बाकी अगर सामान्यता कहा जाए तो ये आने वाला गोचर वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य कहलाएगा, मिले जुले से परिणाम देगा। संतान को लेकर चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, और जिन लोगों को संतान से संबंधित समस्या है, संतान नहीं हो रही है या उससे संबंधित इलाज कराना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। शत्रु इस समय पे हावी होंगे। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य मत करिएगा जिसके कारण आपको बदनामी हो, आपकी बदनामी हो। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। जो लोग घर से दूर विदेश में रह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। घर के प्रति आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, और चीजों का समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं नौकरी पे या अच्छा काम कर रहा हूं या फिर भी मेरे को टारगेट क्यों किया जा रहा है, मेरे पे निशाना क्यों लगाया जा रहा है, ये स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। जीवन साथी के कारण आपका तनाव कम होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की यात्राएं करना चाह रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। दोबारा समय कहूंगा, कर्ज किसी को लेना या कर्ज देना, उससे संबंधित चीजों के लिए आने वाला सूर्य का गोचर बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं यहां जरूर कहूंगा, अगर आपका पैसा फंसा है, रुका है, और खासकर जो है किसी ने उधार मांगा है, वो पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को जिन लोगों को खून से संबंधित समस्या रहती है, चाहे वो हार्ट की हो चाहे बीपी हो, उनके लिए ये समय थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। सामान्यता अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है, और उनके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता है जिनकी दशा या अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, अगर किसी प्रकार का पीछे तनाव चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, अलगाव की स्थिति है या दूरी बनी है, तो वो दूरियां और मतभेद में बदलेंगी, समस्याएं और बढ़ेंगी। कारण उसका जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में चार ग्रही योग, शनि अलगाववादी, सूर्य अलगाववादी, देव गुरु बृहस्पति अस्त हैं, उनके पास इतना बल नहीं है कि इनका सामना मैं कर पाऊं। और बुध अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बुध जो है आपके फेवर में इस समय पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा भी है खराब भी है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, आग कान खोल के चलिएगा। किसी के बहकावे में कोई ऐसे जगह पे धन मत लगा दीजिएगा जहां आपका धन फंस जाए या डूब जाए।
सामान्यता अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर मिले जुले से परिणाम देगा। जिन चीजों में मैंने सावधानी बताई है उन चीजों में सावधानी बरतिएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाले समय में क्या स्थितियां बनेंगी इस सूर्य के गोचर की। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर होने जा रहा है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु तीनों चीजों पे विजय मिलेगी, लेकिन खाने पीने का ध्यान रखिएगा। लीवर से संबंधित समस्याएं अगर चल रही हैं तो वो समस्याएं बढ़ेंगी। केवल दो चीजों का ध्यान, खाना पीना लीवर। किसी भी प्रकार से विदेश से संबंधित कार्यों में आप जुड़ना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो। अगर सूर्य शनि का योग देखा जाए बुध के साथ तो एक अच्छे संकेत देता है कि व्यक्ति विदेश से संबंधित चीजों में इस समय पर तरक्की पाएगा। वाहन का सुख मिलेगा, किसी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है वो वाद विवाद आपका इस समय पे खत्म होगा, या उससे संबंधित कोई आपको सफलता या सकारात्मकता दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें आपके साथ होंगी उससे संबंधित। मित्रों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा, मित्रता में धन उधार मत दीजिएगा। कहीं आपका धन फंसा है रुका हुआ उसके लिए समय अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियों को दिखाता है और कहीं ना कहीं निवेश आपके लिए इस समय पे अच्छा होगा। सामान्य शब्दों में कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए आने वाला ये गोचर अच्छे परिणाम लेके आया है और कहीं ना कहीं जीवन में ठहराव भी ये दिखाता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में खटास आएगी, प्रेमी जुगलों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य कहलाएगा, बस अपने हक के लिए इस समय पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी। लोग आपको इस समय पे दबाएंगे, शत्रुओं इस समय पे हाथ भी होंगे, शत्रु आपके आपके पद को देखते आपकी कुर्सी को देख के इस समय पे शत्रुओं की पीड़ा मिलेगी। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाएगा सूर्य शनि और बुध तीन ग्रह योग और गुरु के साथ कितना भी कोई पीड़ा दे दे, कितना भी आपको परेशान कर दे, कितना भी आपको जो है कोई चिंताएं दे दे, लेकिन आप अपने कार्य पे लगे रहेंगे कि अंततः आपको जीत मिलेगी। धन को लेके नए विकल्प आपके सामने आएंगे, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उस संतान को लेके इस समय पे चिंताएं या पीड़ा मिलेगी, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कन्या राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चार ग्रही योग सूर्य शनि बुध और देवगुरु बृहस्पति, ऐसे में कहा जाएगा तीन ग्रह अस्त, बुध कुछ समय के लिए भी अस्त होंगे। ये राशि का परिवर्तन आपके घर परिवार पे विशेष असर डालेगा, घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर परिवार में व्यय होगा खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित निर्णय मत लीजिएगा। कर्म क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होंगे इस समय पे, कार्यों में फ्लक्चुएशन, कार्यों में अनावश्यक का तनाव, किसी ने आपसे बोल रखा है कि आपका धन या आपके ऊपर मैं धन लगाऊंगा, सचेत हो जाइए, सारी चीजें चेक कर लीजिए और कहीं ना कहीं ये वादे से मुखर भी इस समय पे सकते हैं। कारण उसका जो है शनि से सूर्य अस्त हैं और बुध अस्त कुछ समय के लिए, सूर्य से शनि अस्त होंगे, देव गुरु बृहस्पति अस्त होंगे और कुछ समय के लिए बुध भी, सामान्यता अगर देखा जाए डिग्री वाइज बुध को, तो कहीं ना कहीं ये अड़चन पैदा करेंगे कार्य क्षेत्र में। किसी प्रकार का धन कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो शत्रु इस समय पे हावी होंगे, घर परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सब में एक अगर बात करें आपका जीवन साथी आपका साथ देगा और कहीं ना कहीं आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में काम करते हैं, तो पार्टनरशिप में आपके साथ खड़ा रहेगा आपका पार्टनर।
अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तुला राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का यह गोचर होगा। सूर्य बुध गुरु शनि देव गुरु बृहस्पति अस्त शनि अस्त और कहीं ना कहीं बुध भी जो है कुछ समय के लिए अस्त। अगर सामान्य शब्दों में यह कहा जाए आपके लिए यह गोचर आने वाला बेहद अच्छा है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था तो वो तनाव इस समय पे आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप में ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके अंदर साहस इस समय पे बढ़ेगा। रिस्क लेने की क्षमता इस समय पे बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का कर्ज किसी भी प्रकार की उधारी अगर कहीं धन फंसा है तो वो धन आपको मिल जाएगा इस समय पे। सरकारी नौकरी के लिए इस समय अच्छा है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी छूट गई है उनके लिए विकल्प इस माह में खुलेंगे। यात्राएं इस समय पे बढ़ेंगी। धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीजों में भी जा सकते हैं मतलब धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं या उससे संबंधित प्लानिंग इस समय पे होगी। वाइफ पत्नी पति स्त्री या पुरुष जो भी अगर आप स्त्री हैं आपकी राशि वृश्चिक है आप देख रही हैं तो पति का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं जीवन में ये एक आने वाले एक महीने आपके जो भी आपका जीवन साथी है उसके कारण आपके कष्टों में कमी आएगी। संतान को लेकर अगर पीड़ा चल रही तो संतान से संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है। संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही तो इस समय पे प्रयास डॉक्टर की सलाह इत्यादि चीजें अगर देखा जाए तो अच्छा कहलाएगा। सामान्यता अगर कहा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बेहद अच्छा है और इस समय को भरपूर यूज करिए। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए आने वाला एक महीना सूर्य का कैसा रहने वाला है। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वितीय भाव कुटुंब भाव में सूर्य का गोचर होगा। जो लोग राजनीति में जुड़े हैं जो लोग सरकारी तंत्र में जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए थोड़ा सा इस समय पे आपके कार्य क्षेत्र में धन का व्यय ज्यादा होगा लेकिन कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन का व्यय अगर कहा जाए सभी के लिए इस समय पे बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ खुशखबरी या कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पे। लेकिन अगर आपका नेचर थोड़ा सा गुस्सैल है या कह लीजिए कि कोई तनाव चल रहा था ससुराल से तो तनाव जो है कम या बढ़ भी सकता है कारण उसका जो है। शनि और सूर्य अगर देखा जाए द्वितीय भाव में है और सप्तम दृष्टि से अगर देखा जाए तो अष्टम भाव को देख रहे हैं जो कि आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है। धन के लिए यह समय सामान्य कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। जो विद्यार्थी जो है घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज में या उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। सामान्यता अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहतर परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इस समय पे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। राजनीति के लिए समय अच्छा है। जो लोग पॉलिटिक्स करना चाह रहे उनके लिए समय अच्छा है। धन को लेके कई विकल्प खुलेंगे इस समय पे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बुध साथ में है और गुरु साथ में और गुरु और शनि अगर कहा जाए ये सारे ग्रह जो अस्त हैं। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। बुध बुद्धि का कारक है सूर्य ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा को अपनी सही दिशा में लगाइएगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। बाकी अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य समय है। किसी भी प्रकार का धन कहीं आपका फंसा है लटका है रुका है तो
तो उससे संबंधित चीजों का प्रयास करिए, इस समय पे आपको धन मिल जाएगा। लेकिन उधार देने से बचिएगा। अगर उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो उससे संबंधित तनाव इस समय पे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे क्षमता के अनुसार। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आपका एक महीने में पूरा उधार उतर जाएगा, ये मेरा बोलना गलत होगा। क्षमता के अनुसार जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उधार उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी क्षमता है, अगर लेवल में उधार है, तो उधार या कर्ज आपका जो है इस समय पे काफी हद तक का निकल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा, विद्या अध्ययन करने में सरलता होगी। प्रेमी जुगलों के लिए तनाव का समय रहेगा। प्रेम इत्यादि चीजों में बाधा, प्रेम इत्यादि चीजों में अलगाव की स्थितियां बनेंगी। विवाह या विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपका जीवन साथी आपसे नाराज या उसके कारण तनाव होगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो मकर राशि में सूर्य का गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि में सूर्य का गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर क्या स्थितियां लेके आया है? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर, चार ग्रही योग, सूर्य, बुध, शनि और गुरु, ऐसे में कहा जाएगा ये समय वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इस समय पे बढ़ सकती है। अपने आप को इन चीजों से दूर होके चलिएगा। किसी के भड़कावे में कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो, या न्याय प्रणाली में वो गलत कहा, उसके ऊपर जो है तरह तरह की धाराएं हो। बाकी आप खुद समझदार हैं। पड़ोसियों से इस समय पे मतभेद होगा। अगर आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप व्यवसायी हो, जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं पड़ोसियों के कारण आपकी सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। गाड़ी आराम से चलाइएगा, चोट चपेट के भी योग बनते हैं। भाई बहनों का सुख मिलेगा। यात्राएं या धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा इस समय पे लेंगे। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर किसी प्रकार का पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो इस समय पे तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचिएगा और कोशिश करिए अकेले आप निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। निर्णयों में भागीदारी, घर परिवार या पत्नी या पति या गुरु या कोई बुजुर्ग से निर्णय, या कोई आपको करना है कार्य शुरू करना है या कहीं धन लगाना है तो पूछ के ही धन लगाइएगा। सामान्य शब्दों में कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। जिन चीजों में मैंने कहा उन चीजों की सावधानी बरतिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में चार ग्रही योग, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, तरह तरह के लाभ, भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों को भी इसी से देखा जाता है, ऐसे में कहा जाएगा बेहद अच्छा समय, इच्छाओं की पूर्ति का समय, आकस्मिक धन लाभ का समय, शेयर बाजार, किसी प्रकार का निवेश, कहीं आपका धन फंसा है, धन रुका है, उन सभी चीजों के लिए समय आने वाला बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्या अध्ययन करने में सरलता होगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए बेहद अच्छा समय, या सरकार से जुड़े लोगों के लिए बेहद अच्छा समय। इस समय पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे वो प्रमोशन हो या कोई अन्य कोई लाभ हो। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। घर परिवार का भी सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन या वैवाहिकता के कारण आपके जीवन में खुशियां या लाभ बढ़ेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन एक अच्छे परिणाम लेके आया है, सकारात्मक परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का मैंने राशि फल बताया सूर्य का। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।